ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। तो आपने देखा टोटल पोस्ट यहाँ पर 10,157 थी ये भर्ती परीक्षा में, जिसमें टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चन हुए थे और पेपर फर्स्ट में 100 मार्क्स था और उसमें टोटल क्वेश्चंस भी 100 नंबर के थे। इसी तरह क्वेश्चन जो सेकंड पेपर के थे उसमें भी 100 मार्क्स के क्वेश्चन थे और टोटल मार्क्स भी 100 ही थे। हाँ, एक चीज़ इसमें सबसे बड़ी है कि नेगेटिव मार्किंग थी इस पेपर में, वीडियो की तरह इसमें भी नेगेटिव मार्किंग थी। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी, तो आपका टोटल 0.33 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बोर्ड ने डिसाइड किया था वो था जनरल ओबीसी के लिए 40%, इंडिविजुअल पेपर्स में और ईडब्ल्यूएस में एमबीसी दोनों में ही 40%। इसके अलावा एससी एसटी के लिए 35%, जो पेपर को पास करने का क्राइटेरिया रखा गया था। इसके बाद दोस्तों देखो, जो हमारा पेपर जो हुआ था उसके बाद कुछ ऑब्जेक्शंस लगे थे। तो जो फर्स्ट पेपर था उसमें क्वेश्चन नंबर 16 पर ऑब्जेक्शन लगा था। इसी तरह आप देखोगे पेपर सेकंड में भी क्वेश्चन नंबर सेकंड, 15, 25, 32, 33, 44, 53, 54, 56, 58, 67, 75, 85, 91 और 97, इस तरह से करीब करीब 16-17 क्वेश्चनों पर टोटल ऑब्जेक्शंस लगे थे। तो आपने देखा इसी तरह से सेम वीडियो के पेपर में भी हुआ था, करीब 16-17 ऑब्जेक्शंस आपत्ति दर्ज की गई थी, लेकिन लास्ट में बोर्ड ने जब रिजल्ट डिक्लेयर किया तो इन्होंने करीब करीब 8 नंबर, 7 या 8 नंबर बोनस ना देकर क्वेश्चंस तो डिलीट कर दिए, बोनस नहीं दिया और वो नंबरों को उसी में एडजस्ट कर दिया। तो इसी तरह की तर्ज पर ही देखो, ये तो आरएसएस में भी का पैटर्न है, वो इसी तरह से करता है। तो हो सकता है कि इस पेपर में भी कुछ यही पैटर्न अपनाया जाए और जहां तक यही पैटर्न अपनाया जाएगा। ठीक है, तो इस बार जो पेपर में टोटल ऑब्जेक्शंस लगे करीब 16-17 ऑब्जेक्शंस थे। इसके बाद देखते हैं कि टोटल पोस्ट जो है आपकी ये निकल के आई थी। इसके बाद आप देखो ये जो क्वेश्चंस डिलीट होने वाले हैं, टोटल क्वेश्चंस हैं 8। ठीक है ना, अब लेट सपोज ये क्वेश्चन तो डिलीट होंगे ही होंगे, ये जो 15, 53, 54, 56, 75, ये जो है ये 8 क्वेश्चन तो डिलीट होने ही होने हैं, ये पक्का मान के चलो आप। अब देखो टोटल क्वेश्चन 100 थे, अगर 100 में से 8 क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो टोटल आपके पास बचते हैं 92 क्वेश्चन। अब बोनस तो मिलेगा नहीं क्योंकि वीडियो में भी नहीं मिला, तो पैटर्न तो सेम ही होगा। अब अगर 92 क्वेश्चन होते हैं तो अगर आपने 100 में से 92 क्वेश्चन रहे फाइनली, तो एक क्वेश्चन की वेटेज आती है 1.08, मतलब हर क्वेश्चन का जो नंबर है वो 1.08 हो जाएगा। पहले एक एक था, अब ये 1.08 हो जाएगा और हर क्वेश्चन की मार्किंग कितनी हो जाएगी, अब 1.08। अब देखो दोस्तों, हमने भी करीब 300, 350 लोगों पर स्टूडेंट्स का सर्वे किया है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी एनालिसिस के आ रही है उसमें जो जनरल की टोटल जो हमारी पोस्ट है, हमने जो एनालिसिस किया है उसके हिसाब से मेल की करीब, जनरल में, जनरल की बात कर रहा हूँ मैं पहले, जनरल में मेल की करीब करीब 91 से 97 जानी चाहिए, फीमेल जनरल में आएगी 85 to 89 और इसके बाद डाइवर्स्ड, डाइवर्स में 50। ठीक है, विडो में तो ऑल ही है और डाइवर्स में 50। तो ये जनरल की कट ऑफ के बारे में बात हुई है। अभी देखो हम कैटेगरी वाइज सभी को देख लेंगे, तो थोड़ा ध्यान रहे कि जो लोग परेशान हो रहे हैं कि भाई कट ऑफ 110 जाएगी, 115 जाएगी, कुछ लोग बता रहे 125 जाएगी, तो ऐसी संभावना बहुत ही कम लग रही है क्योंकि पेपर हार्ड ही था लेवल से। ठीक है, अभी देखो इसके बाद हम ओबीसी देखते हैं, ओबीसी में टोटल पोस्ट आपके सामने है। इसके बाद इसके मेल की जो कट ऑफ है वो 90 से 94 जाएगी, उम्मीद हमारी ऐसी ही है। इसके बाद फीमेल के लिए 83 से 87, विडो में ऑल हो जाएगा और डाइवर्स्ड में 45। ठीक है, ओके, इस तरह से हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ईडब्ल्यूएस का अगर एनालिसिस किया जाए तो उसकी टोटल पोस्ट थी 886 और यहाँ पर मेल, ईडब्ल्यूएस का मेल है जो, उसमें 87 से 92, फीमेल के लिए आप देखोगे 85 से 89, विडो के लिए ऑल है और डाइवर्स्ड 46। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप आ जाइए एमबीएस के अंदर, टोटल पोस्ट है आपके पास 436, इसमें मेल की जो है वो करीब करीब 80 से 88 आएगा और फीमेल के लिए 81 से 83 और विडो के लिए ऑल। ठीक है, अब देखिए हम एससी कैटेगरी की बात करते हैं। एससी कैटेगरी के अंदर मेल की जो कट ऑफ जाने के चांसेस हैं
वो है 75 से 79, 75 से 79, ठीक है दोस्तों। इसके साथ ही आप देखोगे फीमेल के लिए, फीमेल में भी 71 से 74, ठीक है, और विडो डाइवर्स में सब ऑल हो जाएगा। इसके बाद एसटी कैटेगरी में आ जाइए, एसटी कैटेगरी में आप देखोगे तो मेल की जो कट ऑफ निकल के जा सकती है वो है 72 से 75, फीमेल के लिए 70 से 72, और विडो और डाइवर्स के लिए ऑल। तो इस तरह से हमने देखा दोस्तों कि जो हमने एनालिसिस किया है उसके हिसाब से ये टोटल कट ऑफ निकल के आ रही है, और उम्मीद है पूरी पूरी कि कट ऑफ इससे ऊपर जानी नहीं चाहिए जैसा कि हमारा अंदाजा रहता है और जितना हमने लोगों पर सर्वे किया है। तो ये आज हमने इसके पूरी की पूरी डिटेल देखी है, ठीक है, और आगे भी आपके लिए इस तरह से वीडियोस लाते रहेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।